अब इसमें लाइट यूज करेंगे, तो जैसे मेरे पास अभी ये यूनिट है और सिंपल इसके थ्रू लाइट एमिट करनी है, जैसे फ्लेक्स बोर्ड वगैरह होते हैं वैसे। तो यहाँ पर आप लगाओगे इसके अंदर सेम उसी की तरह जैसे उसमें तक मैक्सिमम ये लाइट मटेरियल हुआ, ये ऑन ऑन स्टार्ट हो जाएगा। इसकी इंटेंसिटी तो हमारे पास यहाँ मिल जाएगी इसकी, मल्टीप्लायर ठीक है। और इसमें वो टेक्सचर तुमको अप्लाई करना है तो यहाँ पे क्लिक करोगे कलर के आगे, जैसे हम इसमें यूज करते थे, फाइल स्टोर, इसी में लगा देते। इसकी मैपिंग भी होगी, कौन सा एक्सेस है ये, एक्स। और इसको एनिमेशन ऑन कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से फ्लेक्स बोर्ड अपने रेडी कर पाओगे आराम से। इसी तरीके से लाइटिंग के अंदर एक और ऑप्शन आएगा हमारे पास, जैसे मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है रखा हुआ, लेट लाइट और रेक्टेंगल लाइट। अब इसमें क्या है, रेक्टेंगल और डिस्क इन्होंने दोनों में एक में कर दी, एंजॉय। अब इसमें होता क्या है कि जितनी छोटी लाइट होगी और हम इसको अगर रेंडर देखेंगे यहाँ से, ये शेडो उतनी इसकी शार्प होगी, और जितनी बड़ी तुम इसकी लाइट पर करोगे स्केल करोगे ये शेडो उतनी धुंधली होगी कॉर्नर्स, ठीक। देन दूसरी चीज में क्या है कि यहाँ पर कलर टेम्परेचर तुम लोगों को पता ही है क्या होता है ना, टेम्परेचर लगाओगे इसके अंदर, और टेम्परेचर का मैं तुमको शायद सबको नोट सबको भेज रखा है, मैक्स में भेजा था। तो इसको यूज करके टेम्परेचर सेट कर सकते हो इसका, 3500 होता है जब किचन वगैरह यूज बना रहे होते हो, और जब बेडरूम कर रहे होते हो तब 4500 के आसपास ले सकते हो। 65 के अबव स्काईलाइट होती है इसमें यहाँ से। देन उसके बाद इंटेंसिटी जब यूज करना, जब तुम यहाँ पर यूनिट्स के अंदर वाट्स को सेट कर दो, अभी कोई यार तुम्हें 3 वाट का बल्ब लगाना है इसके अंदर या 5 वाट का एलईडी लगाना है, ब्राइट रोशनी से देखा वो ब्राइट, तो अभी इतना पास क्यों ज्यादा क्यों, क्योंकि पास में है। तो जब ये तुम्हारा बिल्कुल रूफ की, और एक तो छोट इसकी हाइट, तो जैसे 0.2 0.2 इतना छोटा लाइट ही होता है लगता है मोस्टली घर में दीवार के अंदर ही, ठीक है। और इसकी हाइट जो होगी वो उसके ज्यादा ऊपर होगी, तो वो उसके हिसाब से रोशनी डालेगा वो उस एरिया के अंदर, तो घर थोड़ा बड़ा होगा। दूसरी बात यहां पर है शेप टाइप, इसे क्लिक करोगे डिस्क तो क्या होगा, ये देखो वो डिस्क बन जाएगा। तो इन्होंने क्या करा, अब दो लाइट्स अलग थी वो अलग हटा के एक जगह कर दी है दो लाइटें, और साइज बढ़ाने से इंटेंसिटी भी इंक्रीज होती है इसकी, ठीक है। उसके अलावा डिस्क हो गया, उसके अलावा ये सब साइज है। देन नीचे है डायरेक्शनल, डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है कि इसको जैसे बढ़ाओगे यहां से तो वो स्पॉट करना स्टार्ट कर देगा, लाइट्स उतनी एरिया पड़ेगी। और फोकल लेंथ जो लिखा हुआ है यहाँ पर प्रीव्यू लेंथ, इसको अगर यहाँ से खींचोगे तो क्या होगा, जो इसका डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक का वो उसको कम कर देगा, अब देखो फर्क पड़ेगा इससे, लाइट उसे पास जाएगी से दूर जा रही लाइट यहाँ से। देन इसी अंदर नीचे आओगे, ऑप्शन तो उसी में बताए थे मैंने शायद, डबल साइड का ऑप्शन क्या यूज करेंगे कि अगर कोई मेरे पास प्लेन लगा हुआ है ऊपर भी यहाँ पर, और मैं रेंडर देखूँ तो ऊपर कोई रेंडर नहीं आ रहा, हल्का हल्का लाइट पड़ रहा है। और अगर मैं इसके ऑप्शन में डबल साइड लगा दूँ तो वहां पर भी लाइट का इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। और एक चीज में क्या होती है कि जैसे मेरे पास अभी दो ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पर, एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है,
अब मैं चाहता हूँ कि इसकी जो लाइट है वो सिर्फ स्पेयर में पड़े और इसके ऊपर ना पड़े बॉक्स के ऊपर, तो क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे दोनों को, और उसके बाद जाएंगे यहाँ से रेंडरिंग लाइटिंग एंड शेडिंग, और यहाँ पर आता है ब्रेक लाइट, ठीक है। तो इसको तुम ब्रेक लाइट कर दोगे, ब्रेक लाइट कर दोगे तो देखो वहां पर क्या होगा, वहां पर रोशनी से उसके ऊपर पड़नी रहेगी जो कि डायरेक्ट पड़ रही थी पहले, और जिसके ऊपर ही डालनी हो लाइट उसको सिंपल से सिंपल क्या करना है, मेक लाइट का ऑप्शन यूज कर दो उसके अंदर, यहाँ से क्लिक लाइट एंड मेक लाइट, तो उस पर वापस से रोशनी बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जब यूज होता है जब तुम कहीं पर लाइट डालना चाह रहे हो और कहीं पर लाइट देना नहीं चाहते इसके अंदर, और इसी के थ्रू आउट एक चीज और है कि अगर ये हमने यहां पर रखा लाइट का, सैंपलिंग इसको बढ़ाओगे, सैंपलिंग को ओवरराइड करके यहां से ब्लर एप सैंपल जो शेडो में डॉट्स आते हैं वो क्लियर हो जाएंगे सर इससे जितने भी, और इसको बढ़ाने के साथ साथ जैसे इसको हमने 10 के आसपास कर दिया, 10 के आसपास करने के बाद यहां पर जो हम निकालेंगे लाइट सोर्स लाइट कैश मिलेंगे, और यहां से नीचे आएंगे लाइट कैश, इसको करेंगे 3500 तब जाके और एंटर एकदम साफ आएगा इसके अंदर। तो ऐसे ही तुम्हारी ये वाली लाइट है और ऐसे ही तुम्हारी दूसरी लाइट है स्पेयर, बस क्या फर्क है वो स्क्वायर में और ये पूरी राउंड के अंदर है, काम ये भी वही करेगी इसी की तरह। जलेगी वैसे रोशनी, इसका भी इंटेंसिटी वही है, बढ़ा सकते हो इसको रोशनी को, वॉल्ट लेके आ सकते हो इसके अंदर, ये इसका भी वही रेडियस है, इसके स्पेयर सेगमेंट्स हैं, कम कर देंगे तो थोड़ा सा खराब सा लगेगा, देखो तो कैसा हो गया वो, ये राउंडनेस कम हो गई इसकी, इसको बढ़ा दोगे तो प्रॉपर राउंड हो जाएगा। देन इसके ही अंदर एक और वही लाइट है जो कि हम पहले यूज करते थे IES, इसके अंदर प्रिमिटिव जलेंगे सारे IES के जितने भी, ठीक है। तो IES के प्रिमिटिव है मेरे पास, मैं लास्ट टाइम दिया था ना मैक्स मीट, चलो कल देख लेंगे इसको। उसके अलावा एक चीज और है, गाड़ी कहाँ है तुम्हारी, यही एचडीआर पड़ी हुई इसमें, तो यहाँ पर सिंपल अपना लाइट लगाओ, लाइट डो लगाओ है इसको बाहर रख लो निकाल के, और ये देखो इसका रेंडर कुछ ऐसा सा आएगा ब्राइट सा बिल्कुल, और फिजिकल कैम इसका ऑन करना जरूरी है ताकि लाइट जो है पूरा डिम आ जाए इसके अंदर। देन उसके बाद पहले लाइट फोकस कर लिया, जैसे कि मुझे 50 पे कितनी लाइट आ रही है, ठीक है इतनी आ गई। अब वापस से क्लिक करो यहाँ से यूज टेक्सचर, और इसमें डोम टेक्सचर के अंदर जाएगी या फाइल में अपनी एसजेड डाउन, एकदम बढ़िया लुक आना स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर। अगर अब मैं इस पे टेक्सचर डालूंगा जैसे शेल्बी के ऊपर, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अरे तो अब जैसे मैंने इस पे डाला, डालने के बाद मैं बनाता हूँ थोड़ी सी यारी बनाते हैं, ठीक है, और इसके अंदर फॉर्म रखते हैं हाई बेटल वो ये क्लिक करके, तो अब देख गाड़ी, तो जो भी डालोगे क्रोम व्रोम सब कुछ अब परफेक्टली तुमको दिखाई देगा। है ना कितना फर्क पड़ता है एचडीआर से, जबकि ये गाड़ी हाँ अभी ये गाड़ी स्मूथ नहीं है, जब इसका रेंडर इतना अच्छा दे रखा है, तो जब भी तुम इसको स्मूथ करोगे हमेशा स्मूथ करोगे यहाँ से, ठीक है, और अब रेंडर देखोगे अब तुमको और फाइन मिलेगा, देखो शाइन,
और जब डबल टोन कलर बनाना होता है किसी भी चीज का, तो जैसे मेरे पास अभी ये वाला कलर है, इस कलर के अंदर जहां जहां रिफ्लेक्शन पड़ रही है मेरे पास, ये मैं उस रिफ्लेक्शन को कलर करता हूँ। जैसे कि मैंने इसको येलो कर दिया, तो अब क्या होगा, ब्लू के ऊपर मुझे येलो टोन वो हल्की हल्की देगा ही देगा ये इस जगह पर। तो जैसे तुम टोन फैलाओगे, ये देखो हल्का सा पीला बना रहा है इसके अंदर ऊपर, बहुत माइनर सा, ये थोड़ा और रेड कर देखो, रेड से ये है ना, रेड टोन आ गया इसके अंदर। इसको अगर बढ़ाना चाहें तो फनल खोलेंगे तो देखो डुअल टोन कलर इस तरह बनेगा कि आप उसको यूज करोगे यहाँ से, देन अगर फनल को ऑफ कर दोगे यहाँ से तो ये किसी ऑब्जेक्ट का मतलब उसके खुद के कलर की तरह पड़ेगा। हाँ, जैसे जो रिफ्लेक्शन होती है ना, जो एक जगह रिफ्लेक्शन ऑब्जॉर्व करेगा उसको कलर में कन्वर्ट कर देगा। इवन अगर तुम्हें इसके अंदर कुछ जैसे होता है ना फ्लेक्स वगैरह होते हैं पड़ेंगे इसके अंदर, अगर वो देना चाहो तो यहाँ से इसके अंदर जो भी डालोगे टेक्सचर, सपोज को चेकर डाल दिया मैंने, तो वो चेकर आना स्टार्ट हो जाएगा उसके अंदर, इसकी रिफ्लेक्शन जहाँ जो रिफ्लेक्शन लेगा वहाँ वो चेकर तुमको प्रेजेंट कर देगा, होते नहीं फ्लेक्स छोड़ देते। दूसरी चीज, एक तो चीज सीख समझ में आ गई है ना, अब दूसरी चीज होती है इसमें, ये मैंने सेलेक्ट किया, अब मुझे हाई पावर का एक ब्लेंडर चाहिए इसके साथ, तो राइट क्लिक करूंगा, असाइन न्यू मटेरियल करूंगा, यहां पर मैं फाइंड करूंगा इधर से कार पेंट, ये प्री डिफाइंड कार पेंट है बना बनाया, बेस कलर का चेंज कर जो हमने भी चेंज कर रहे थे ये वाला। अब देखो कलर, अब रेंडर देखने से वो खुद बनाएगा फ्लेक्स वगैरह सब, ये फ्लेक्स दिख रहे हैं, ये जो दाने दाने होते हैं वो खुद बनाएगा अपने आप ही, जितना भी ब्लू हाई ग्लॉस का है पेंट। और अगर तुम्हें रेंडर चाहिए तो सिंपल क्या करोगे, HDR को ऑप्शन में जाके यहां से इनविजिबल कर दो, तो तुमको आउटपुट तो वही देगा वो जो दे रहा था, बस HDR छुपा देगा यहां से। इवन इतना स्ट्रांग रहता है HDR कि अगर मैं इसके अंदर अभी एक मेटल लगाऊं इसके अंदर, इस पे लगाता हूँ मेटल, ठीक है, मेटल के लिए क्या है, कलर ब्लैक है ना, यहाँ से रिफ्लेक्शन फॉन्ग करके एकदम फुल फनल को ऑन, और अगर तुम्हें शेटर चाहिए थोड़ा सा हल्का सा इसे बंद करना है, तो अब तुम टायर को शेप, अब तुम टायर का शेप देखना कितना थोड़ा सा है, देखो ओरिजिनल मेटल, तो अगर चेंज करोगे हल्का सा भी ये देखो, तो काफी अब इतना है, अब इसके लिए फिर कंटिन्यू करेंगे कल उसके आगे थोड़ा सा सनलाइट के साथ।